आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं तो जल्द ही इंश्योरेंस कंपनियां कैशलेस क्लेम दे सकती हैं आपको। इसे लेकर देखिए सरकार की कंपनियों के साथ बातचीत जो है वो चल रही है और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ने खास बातचीत की है आयुष मंत्रालय के सचिव वेद से। सर, आयुष को लेकर हम देख रहे हैं लगातार उसके प्रति रुझान जो है बढ़ रहा है। ट्रीटमेंट को लेकर एक क्वेश्चन था कि कई बार कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, कई बार उस तरह क्लेम नहीं मिलते हैं, इसको सुचारू करने के लिए किस तरह के प्रयास अभी कर रहे हैं आप? देखिए, आज जैसे आज का जो ये मैं ओलिडा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में खड़ा हूँ, यहाँ हमने आयुष प्रैक्टिशनर्स, आयुष के बड़े हॉस्पिटल, छोटे प्रैक्टिशनर्स, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आयुष की तरफ से, फिर रेगुलेटर्स, फिर जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, इंश्योरेंस कंपनीज के MD, CEO, इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स, TPAs, IRDAI, सबको इकट्ठा किया आज और एक प्रकार से हम मंथन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वालिटी बेंचमार्क ऐसे अचीव किए हैं। जैसे हमारे DHHS आयुष ने पिछले दिनों इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर आयुष पहली बार पब्लिश किया, इट इज़ नाउ पब्लिश्ड। ऐसे WHO ने भारत सरकार की सहायता से इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा के डायग्नोस्टिक कोड्स पब्लिश किए। ऐसे BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने आयुष के ट्रीटमेंट्स के स्टैंडर्ड्स बनाना शुरू किया, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के 100 से ज़्यादा स्टैंडर्ड उन्होंने पब्लिश किए। नाउ वी आर आर्ग्यूइंग विथ ISO सो दैट दो स्टैंडर्ड्स कन्वर्ट्स इनटू ISO स्टैंडर्ड्स, तो ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे हमने ये सब अलग अलग स्टैंडर्ड में हम एक साथ काम कर रहे हैं, NABH के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सो दे हमारी हॉस्पिटल्स NABH का एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन ले, फुल एक्रेडिटेशन ले, डे केयर सेंटर का ले। कुल मिलाकर के ये सब करने के बाद अब इसको कंसोलिडेट करने का समय आ गया, इसलिए सबको इकट्ठा किया कि नाउ दैट एवरीथिंग इज देयर, तो सब लोग आपस में बैठ करके एक बार गैप एरिया आइडेंटिफाई करें और उसको काम करें, सो दैट इसको हम स्केल अप कर सकें, बड़ा कर सकें। अभी ऑलरेडी 280 के आसपास पैकेजेस अवेलेबल है, उसमें गैप है, लेकिन उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट के अनुपालना में हम इसको आज कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आज का दिन बड़ा लैंडमार्क दिन है, क्योंकि इसके आधार पर हम इसको बहुत बड़े स्तर पर ले जाने के लिए सक्षम होंगे।